काशी भाई अपने आप को थोड़ा सा कष्ट दे दो और वो देखो सोफा के पीछे जो रेगिस्तान जमा है ना धूल का वो साफ करो, ठीक तरह से साफ करो। वो दो दिन में अमू आएगी घर पे और चिल्ला चिल्ली शुरू करेगी और फिर मैं आपके नौकरी की गारंटी नहीं दे सकती। अरे ओ, हाँ देखो जरा जरा आगे खींचो, जोर जोर लगा के खींचो। क्या है सुभद्रा? हाँ इधर आओ ना। हाँ आती हूँ। ये देखो अच्छी तरह से करना। क्या ये चादर कैसी है बताओ? ये कोई प्रिंट है? हाँ ये प्रिंट है, अच्छी प्रिंट है। अरे वो हॉस्पिटल की जब सफेद चादरें भी अच्छी होती हैं, ब्राइट होती है, वो आप वापस कीजिए ये और अच्छी ब्राइट लेके आना। ब्राइट यानी ब्राइट येलो, ब्राइट पिंक, ब्राइट या मरून, मरून मरून वो मरून मरून ब्राइट होता है, मरून तो गहरा रंग होता है। आप समझते क्यों नहीं? आप ठीक है ठीक है, आप ऐसा कीजिए ना, आप घर की साफ सफाई करवाइए इससे, मैं लौटा के आती हूं चेंज कर। तुम सुनो इसका बिल देता हूं। सुभद्रा एयर फ्रेशनर लाना मत भूलना और दो नए फ्लावर वास ले लेना। हाँ, कार्ड पेपर लाए हैं ना आप? ये क्या है सुभद्रा, ये देखो कहाँ है ये, और स्केच पेन भी लाया हूँ। स्केच पेन? हाँ? मोटे मोटे अक्षरों में मैं लिखूंगा वेलकम होम माय डियर आमू। आप नहीं लिखना, मैं लिखूंगी। क्यों? वो आप आपकी वो ये अक्षर यानी राइटिंग खराब नहीं, अच्छी नहीं है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। नहीं वो आमू नहीं, मेरी कोई भी चीज अच्छी नहीं है, तुम्हें कोई भी चीज पसंद नहीं है, मैं सब लौटा देता हूँ। अरे ये सब क्यों लौटा रहे? ये भी लौटा रहे आप? हाँ ये भी लौटा रहे? यही नहीं मैं ये भी लौटा रहा। ये क्या है? साड़ी है, साड़ी साड़ी। अमू साड़ी पहनी थी आपने? नहीं आपने कभी देखा है अमू को साड़ी पहनते हुए? मैं पहनूंगा। आप वो साड़ी है ना आपको अच्छी नहीं दिखेगी और वो स्वागत करने के लिए आप साड़ी पहन। तुम मुझे ज्यादा होशियारी मत बताओ, ये साड़ी मैं लाया हूँ किस लिए मालूम है? किस लिए? तुम नई साड़ी पहन के अमू का स्वागत करोगी इसलिए। मैं दिखा मुझे बहुत बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत वाकई सच्ची 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 लौटाना प्लीज। मैंने सॉरी बोला ना, रहने दो मेरा मन रखने के लिए कह रही हूँ, पहले देखो। नहीं वाकई अच्छी है और उसे तो अच्छा आपका ख्याल है जो मैं नई साड़ी पहन के अमू का स्वागत करूँ। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा ये जरा वो प्रिंट है ना वो लेवेंडर कलर का होता तो अच्छा होता। अच्छा नहीं तो ये छोड़ो। नहीं मैं लौटा देता, लेवेंडर कलर नहीं है ना ये, वो फट जाएगी ना, वो नई साड़ी पहन के मैं उसका स्वागत करूंगा। मजाक भी नहीं समझते आप, खूब समझता हूं। कैसी लग रही है देखो ना दादी माँ। हाँ? वो लेना है, वो वो हॉस्पिटल का है ना? नहीं वो अनमोल लाया था मेरे लिए। कौन अनमोल? किशमिश का बेटा। ओ अच्छा, और ये मैगजीन ये पढ़ाओ कत फेंक दूँ? नहीं इसमें मेरा आर्टिकल है। अरे 10 कॉपीज बड़ी है ना घर में श्वेता ने दी हुई, तो ये स्पेशल है, ये पहली कॉपी श्वेता खास मेरे लिए लाई। अच्छा बाबा रखती हूँ। अच्छी लड़की है ना श्वेता, बहुत समझदार है। ये बात बुरा लगा बाद में। इस बात का? वो मैंने बहुत चुन चुन के ताने मारे उसे। वो तो तुम्हारी हॉबी है। नहीं पर वो श्वेता के साथ नहीं करना चाहिए था। She's got a nice girl. No, I really mean it. और मैंने जो समझा था वो भी गलत था। क्या समझा था? यही कि श्वेता और रोहित छोड़ो ना दादी माँ, अब मैं घर जा रही हूँ, नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ, इसलिए सारे घटिया ख्याल दिमाग से आउट, पॉजिटिव थिंकिंग इन। बिल्कुल। श्वेता रोहित की बहुत अच्छी दोस्त है और मुझे इस दोस्ती की कद्र करनी चाहिए। श्वेता प्लीज मेरी तरफ देखो तो सही। श्वेता ऐसा हो जाता है, आफ्टर ऑल हम इंसान हैं। These things happen. रोहित तो मुझे गलत मत समझना, मुझे तो खुद भी नहीं पता कि। श्वेता मैं तुम्हें गलत क्यों समझूंगा? देखो अब तुम, मेरा मतलब है हमें इस मसले का हल तो। रोहित ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं इसे सॉल्व करूंगी, एंड बिलीव मी आई कैन डू इट। ये भी तो हो सकता है कि तुमसे इतनी प्रभावित थी मैं कि मुझे इन्फैचुएशन हो गई हो,
मैं अपने आप से कुछ सवाल करना चाहती हूँ, इससे अकेले रहना चाहती हूँ। यू अंडरस्टैंड? इससे मैं जा रही हूँ रोहित। मैं तुम्हें फोन करूंगी, तुम मुझे कॉन्टैक्ट नहीं करना। तुम कैसी हो ये जानने के लिए भी नहीं? रोहित, रोहित तुम प्लीज मेरी इतनी फिक्र मत करो, ऐसा करके तुम मेरी तकलीफें ही बढ़ा रहे हो। ठीक है, नहीं बढ़ाऊंगा तुम्हारी तकलीफ। बाय श्वेता। श्वेता, मैं तुम्हारी जैसी अच्छी दोस्त कमाना नहीं चाहता। बढ़ा दी ना तकलीफें, अभी कहा और अभी भूल गए। अमो, ये लो कपड़े बदलने। आज माँ पता है मुझे कैसा लग रहा है, जैसे मेरी उम्र कैद की सजा खत्म हो गई हो और मैं अपने पुराने कपड़े वापस पहनूं। ये तो बहुत पुराने हैं। अब ये पहनूं घर जाकर पार्टी के लिए नया ड्रेस पहनना, ठीक है? पार्टी? नहीं ठीक नहीं, ठीक नहीं, गड़बड़ कर दी। क्या? ओ सस्पेंस लिख कर दिया मैंने। देखा मैं, तू घर आ रही है ना, इस खुशी में हमने घर में एक छोटी सी वेलकम पार्टी अरेंज की है, तो सरप्राइज तो खत्म हो गया है ना। तू ऐसा करना, तू नाटक करना, ये कुछ नहीं जानती, वरना तेरे दादाजी 2-3 महीनों तक कुड़कुड़ करते रहेंगे कि सुभद्रा ने सारा मजा चौपट कर दिया, औरत के पेट में एक बात टिकती नहीं वगैरह वगैरह तो करेगी। अरे दादी माँ, आप मेरी एक्टिंग तो देखिए। Oh my God! मेरे लिए पार्टी अरेंज की, सरप्राइज पार्टी। Oh my God! I can't believe it! खुशी के बारे में आंसू निकल आ रहे हैं दादी माँ। यहाँ शुरू मत हो जाना चल। दादी माँ, मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, सचमुच मुझे बहुत खुशी हो रही है। दादी माँ, मैं घर जा रही हूँ। I'm so happy दादी। ओह गॉड, कितना टाइम। चलिए माधवी दीदी, आई एम रेडी। फाइनली, मुझे तो लगा कि आप कल परसों तक तैयार होकर आओगी। होपफुली दैट इज। वेल, अच्छी तरह तैयार होने में मानती है, तेरी तरह नहीं। शर्ट कोट पहन लिया या टी शर्ट ट्राउजर चढ़ा लिए और चलते बनो। अरे इंडिया में तो साड़ी पहन लिया कर। मामा, ये तो आप लोगों के पास है ना वक्त रहता है साड़ी पहनने का, घंटों तक सजने संवरने का। हम लोग वहाँ काम को इम्पोर्टेंस देते हैं। हाँ हाँ, हम लोग निकम्मे है ना, तुम लंदन वाले बहुत काम करते हो। कितना काम करते हो, डिश वॉशर का स्विच ऑन करते हो, वॉशिंग मशीन ड्रायर का बटन दबाते हो, अपना टीवी उसका रिमोट ऑपरेट करते हो और माइक्रोवेव से हफ्ते पहले बनी हुई दाल गरम करके खाते हो। मामा, वहाँ की औरतें करियर माइंडेड होती है, राइट? चूल्हे चौके में अपनी जिंदगी फूकना पसंद नहीं करती और सच सवर कर अपनी जिंदगी में गुलामी करना नहीं मानती, इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट होती है। माधवी बहन, माजी प्लीज, हम लोग वैसे ही काफी लेट हो चुके हैं, अमृता के यहाँ पहुँचते पहुँचते और 1-1.5 घंटा निकल जाएगा। हाँ। ये आर्ग्यूमेंट हम थोड़ी पोस्टपोन कर सकते हैं, रात को कंटिन्यू करेंगे, मैं भी हिस्सा लूंगी। लो। हाँ। ये लो, अमृता से कहना सबकी तरफ से है। मामा तुम भी चलो ना। नहीं माधवी, खामखा वहाँ भीड़ बन जाएगी और रोहित ने तो तुम्हें बुलाया है। माजी, रोहित भाई ने तो जनरल इनविटेशन दिया है, देखिए ना, पर्सनली तो मुझे भी इनवाइट नहीं किया है। तो फिर तुम क्यों जा रही हो? वो अमृता से मिलने, वो बहुत दिनों के बाद हॉस्पिटल से वापस आई है ना, तो उसे मिलने जाएंगे तो उसे कांग्रेचुलेट करेंगे तो अच्छा लगेगा। फोन कर देना, जब तुम्हें बुलाया नहीं तो फिर तुम्हें जाने की जरूरत क्या है? अमित, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? इट्स एन इंसल्ट, रोहित हम सबको इनवाइट नहीं कर सकता था क्या? भैया, रोहित की शादी नहीं है आज, छोटी सी वेलकम पार्टी है, और फिर वो तुम्हें क्यों इनवाइट करेगा? कभी उसे मिलने गए हो? हाल भी पूछा है उसका कभी? आने तो पूछा था ना उसका हाल, सुनीता हॉस्पिटल जाया करती थी, फोन भी करती थी। सुनीता, तुम नहीं जाओगी। अब जाने देना, कोई बड़ी बात नहीं, वो तैयार भी होकर बैठी है। तो क्या हुआ, अंदर जाकर कपड़े बदल लेगी और क्या? मैं जाना चाहती हूँ और मैं जाऊंगी अमित। सुनीता देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो प्लीज। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है अमित, क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? चलो ना भाभी, जस्ट डोंट बॉदर अबाउट। तुम चुप रहो माधवी, तुम चुप रहो। तुम्हीं ने सबको भड़का के रखा है, पहले रोहित को भड़काया, फिर माँ का ब्रेन वॉश किया और अब सुनीता के पीछे पड़ी हो। अरे मैंने क्या ब्रेन वॉश किया?
तुमने ही अमृता के बच्चे को एडॉप्ट करने वाली बात सुनीता के दिमाग में डाली थी। बुलशिट भाभी, क्या ये बात मैंने आपसे कही थी? ये इनका आइडिया था। बट माइंड यू, मुझे भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा है, इसलिए अगर भाभी चाहेगी तो मैं इनको जरूर सपोर्ट करूंगी। और अगर आपको ये ब्रेन वॉशिंग लगता है तो ब्रेन वॉशिंग सही, आई डोंट केयर, बट आई विल सपोर्ट हर। सपोर्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैंने इस बकवास आइडिया को रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन मैंने रिजेक्ट नहीं किया है। क्या मतलब? मतलब मैं अमृता से एक बार बात करना चाहती हूँ, उसके बच्चे को। देखो सुनीता, तुम कहीं नहीं जाओगी और ना किससे बातें करोगी, चुपचाप अपने कमरे में जाओगी। क्या कर रहे हो तू अमित, मर्दानगी दिखा रहा है मामा, और क्या? शट अप बादवी, शट अप, यू जस्ट कीप आउट ऑफ आवर लाइव्स, ओके? अमित, तुम अपने लिए, अपने बिहाफ पर बात करो, मेरी ओर से फैसला करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए माधवी बहन। सुनीता, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं वरना क्या कर लोगे? हाँ, जो करना चाहते हो वो करो। मैं अमृता को मिलने जा रही हूँ और उसके बच्चे को मैं। देखो सुनीता, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ। मैं भी तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, मेरी जिंदगी अब भी थोड़ी बहुत मेरी खुद की बची हुई है, पूरी की पूरी तुम्हारे नाम लिख नहीं डाली, समझे? बाय। गुड बाय भैया। माँ, आई स्टैंड करेक्टेड। यहाँ की औरतें सिर्फ सच सवर कर गुलामी नहीं करती, तुम सही थी और मैं गलत, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। गुड बाय मामा। कमाल के बेटा, कमाल। वेलकम। ओह नो नो, क्या? कुछ नहीं, वेलकम होम। चलो अब बेटा, देखा है ना तुम्हारा घर साफ सुथरा है कि नहीं? हाँ, सब कुछ दादाजी ने किया है, तेरे काशी भाई और दादाजी गाते गाते झाड़ू पोछा करते थे, ये करते थे, वो करते थे, वो करते। सुभद्रा तुम भी अभी इसी वक्त। क्या क्या, तुम भी एक भी काम ठीक से नहीं किया है। वो पोस्टर देखो, पोस्टर, वेलकम, नो नो नो, क्या मतलब होता है नो नो? नहीं तो क्या, नो मैं, अरे होम होता है, कोई भी कॉमन सेंस का आदमी उसको होम ही पड़ेगा, वेलकम होम। कॉमन सेंस किसका? कॉमन सेंस किसी भी आदमी का बेटा, ये होम लगता है कि नहीं? वेलकम के बाद तो होम ही होता है, तुम्हें बस क्रिटिसाइज करने की आदत है और कुछ नहीं। रोहित, बाहर टैक्सी मिल जाएगी ना? मिल जाएगी। हाँ तो एक काम करते हैं, वापस हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ शांति थी, यहाँ ये दोनों बच्चे लड़ते ही रहेंगे। सॉरी सॉरी सर, तेरे दादाजी को माफ करना, झगड़ने की आदत है ना मुझे। मुझे क्यों? चुप रहिए ना, चुप रहिए ना। तुम चुप रहो बस, अभी अभी घर आई है बेचारी। अरे वो दादी मम्मी, मेरा कमरा। अरे एक भी चीज इधर की उधर नहीं किए, जाओ जाओ देखो, और रॉक गार्डन। अरे अच्छी तरह से मैंने किया है ना, जाओ जाओ उसे लेकर जाओ, देखो जा। वो काशी भाई नहीं आए हैं ना, मदद करनी है ना मेरी। तू क्या? मैं? अरे ओ हाँ हाँ, समझे। आई आई क्या कर रही हूँ? महसूस कर रही हूँ यहाँ की हर एक चीज, सब कुछ इतना नया नया सा लग रहा है, अनजाना।
भागने कोशिश मत करना। मैं भाग कहाँ रहा हूँ? मैं तो तुमसे मिलने आया। आप कौन है? कौन है आप? दादी मां दादाजी कहाँ अटक गए हैं? केक शॉप में गए हैं, आते होंगे। लीजिए चाय लीजिए और मेहरबानी करके हमें इस तरह घूरना बंद कर दीजिए और प्लीज बताइए कि आप हैं कौन। सब्र करना नहीं आता तुम्हें? आप कितनी देर से यहाँ बैठे पुतले की तरह हमें देखते जा रहे हैं, कितनी देर सब्र करें हम? मैं तुम्हारे स्वभाव की बात कर रहा हूँ। बहुत गुस्से वाले आदमी हो, गुस्सा आने पर मारपीट भी कर लेते हो। परिवार में आजकल तनाव चल रहा है ना? वो तो शहर के हर अखबार में एक सिंडिकेटेड कॉलम छपने लगा है जहाँ हमारे बारे में छापा जाता है रोज मिर्च मसाला डालकर। जो आप मुझे मेरे बारे में बता रहे हैं वो सारी दुनिया जानती है। मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो शायद तुम खुद भी अपने बारे में नहीं जानते हो। जरा बताइए तो सही। अमृता, मैं उस दिन भी तुमसे बात करना चाहता था, उससे पहले तुम्हारी दादी माँ से मिल रहा था। अरे तो क्या आप किससे कितनी बार मिले उसके स्टैटिस्टिक्स नहीं चाहिए हमको? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ अमृता। ए मिस्टर, मैं यहाँ आपसे बात किए जा रहा हूँ और आप है कि सपने में जो तुम्हें आदमी दिखाई देता है और जिसका चेहरा तुम नहीं देख पाते। इनफ दैट्स इनफ। आप क्या समझते हैं? आप यहाँ आकर इस तरह की अजीब अजीब बातें करेंगे और हम सुनते रहेंगे क्या? देखिए, या तो आप साफ साफ बता दीजिए कि आप हैं कौन या फिर यहाँ से तशरीफ ले जाइए। तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे? आप पहले बताइए कि मैं करूंगी आपका विश्वास। आप मुझे बताइए। शांत हो जाओ, जस्ट रिलैक्स एंड लिसन टू हिम। जयदेव शास्त्री, आपका नाम मालूम है हमें। मैं किसी और दिन आऊंगा अमिता, और हाँ, कल सुबह फिर उन निकम्मे पुलिस वालों का पहरा यहाँ लग जाएगा। उनसे कहना कि वो मुझे यहाँ आने दें। नहीं प्लीज, आप रुक जाइए, मैं आपसे अभी बात करूंगी। रोहित प्लीज जस्ट कीप क्वाइट प्लीज। आप बैठिए। मैं कोई ज्योतिषी पामिस्ट या एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं। पेशे से मैं लॉयर था कई साल पहले, आज मैं साइकिक सेंटर चलाता हूं। त्रंबकेश्वर मंदिर के पीछे मेरा छोटा सा ऑफिस है। ये मेरा कार्ड। जयदेव शास्त्री, फेस रीडर, हिप्नोटिस्ट। पर आपने कहा कि आप ज्योतिषी नहीं। That's right. फेस रीडिंग करता हूं मैं, बल्कि ना चाहूं तो भी अपने आप हो जाता है मुझसे। चेहरा देखकर इंसान का भविष्य बताना ज्योतिष विद्या के विपरीत है। मैंने फेस रीडिंग सीखी नहीं है, मतलब कोई फॉर्मल ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास। ईश्वर की दी हुई एक शक्ति है जो चेहरा देखते ही एक्टिव हो जाती है। अमृता, तुम्हारी बेटी तुम्हारी जिंदगी में बेहद खुशियां लाएगी। तुम्हें हर पल ये महसूस होता रहेगा कि शाकुंतल को जन्म देकर तुमने बहुत अच्छा किया। शाकुंतल? तुम्हारी बेटी का नाम, यही नाम सोचा था ना? रोहित, he's right. He's absolutely right. मैंने यही सोचा था। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि क्या आप ये बता सकते हैं कि अमृता पर किसने हमला किया था? धीरज रखो रोहित, मेरी बात पूरी हो जाने दो। अमृता, तुम्हारी बेटी तुम्हारी जिंदगी में बेहद खुशियां लाएगी, लेकिन जब तक उसे ये पता नहीं चलेगा कि उसका पिता तुम्हारा पति नहीं बल्कि कोई और है, इसलिए उसे कभी पता नहीं चलने देना कि उसका जन्म किन हालात में हुआ। देखिए, यह हमारा निजी मामला है, हम अपने बच्चे को सच बताएं या मैं अमृता से बात कर रहा हूं रोहित, और मैं अमृता का होने वाला पति हूं। और अब तुम्हारे सवाल का जवाब रोहित, अमृता, सिर्फ अमृता ही ये बता सकती है कि उसका अपराधी कौन है, और अपराधी का चेहरा पहचानने के लिए अमृता को बहुत डीप कॉन्सेंट्रेशन करनी पड़ेगी, और मैं चाहता हूं कि मैं हिप्नोसिस के जरिए, मतलब आप अमृता को हिप्नोटाइज करके? हरगिज नहीं, ओवर माय डेड बॉडी। देखिए मिस्टर शास्त्री, आप कोई फेस रीडर हो या जो भी हो,
आपका ये हिप्नोसिस मेरे सामने मत कीजिएगा, समझे आप? आपका ये मंबो जंबो मेरे सामने नहीं चलेगा, आपकी बातों में नहीं आने वाला मैं। नाउ प्लीज लीव, और दोबारा यहां आसपास नजर भी आए तो मेरा कार्ड संभाल कर रखना, जरूरत पड़ेगी उसकी। हाँ, परसों कोर्ट में आपकी हियरिंग है, डीएनए टेस्टिंग की परमिशन मिलने वाली है। यह खबर अपनी उस वकील साहिबा को भी दे देना। एंड वन थिंग मोर, उस अस्पताल के एक और आदमी की मौत निश्चित है, एक और निर्दोष। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।